गाइस गुड मॉर्निंग, मैं दीक्षा आप लोगों का भूपिक्षा व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का सीन ये हो रहा है, आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर वॉक करना था और वैसे तो मैं हर दिन लेट ही उठती हूँ। और अभी का सीन ये हो रहा है कि पापा पीछे प्लांट में पानी लगा रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। मम्मी अंदर की सफाई कर रही हैं और मैंने भी वॉक कर ली है क्योंकि मम्मी कह रही है तो पहले अपना शरीर देख उसके बाद ही काम करना क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई। और ब्रून अपना वॉक करके आ गया है, ये देखो इसको आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि और यहाँ के भी वॉक करने की सोचता है। ब्रूनो गुड मॉर्निंग, तो खेतों मत जाना मम्मी का वो करने। इधर आ, यहाँ पे भी पावर प्लांट है, पानी डाल रहे हैं। मम्मी देखो पूछा लगा रही है, मम्मी लगाते हैं हम दोनों, ये थोड़ी एक्सरसाइज रही कह रही। अरे मैं लगाती हूं ना। गुड मॉर्निंग कर दो आप। गुड मॉर्निंग, हम सुबह सुबह 4-5 बजे घूम के आ गए। बस मम्मी भी अपने फिटनेस पे ध्यान दे रही है। तो गाइस अभी मिलती हूँ मम्मी से, जबरदस्ती ने पोछा मांग लिया, पोछा लगाती उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है। गाइस अभी हमारे कपड़े सारे धुल चुके हैं, यहाँ पे पूरे तार पे डले हुए हैं। प्राणवीर कपड़े मैं इसमें डाल दूंगी और बेडशीट वहाँ डलती है। मैंने नहा लिया है और अभी 8 बज रहे हैं, मम्मी नाश्ता बना रही हैं और पापा प्राणवी को देख रहे हैं क्योंकि प्राणवी उठ गई है। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा लगता है ना। तो गए 8:30 बजे हम लोगों का नाश्ता हो गया था। आज नाश्ते में बने थे चुकंदर के पराठे, मम्मी ने बनाए थे और साथ में सब्जी थी और ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए थे और दूध भी था। और अभी का सीन ये हो रहा है कि अभी बज रहे हैं 10:30 ऐसे बज रहे होंगे, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि ना हमारे यहाँ जो नल है ना थोड़े बहुत ख़राब से हो रहे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में अभी बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है तो अभी उनको बुलाया हुआ है नल वल सही करने के लिए। मेरी बन रही है चाय, ये सारा नल वाले भैया का सामान है। सिस्टम काम नहीं करा था ना, पानी जरूर करा। अच्छा, तो इसका ये चेंज करवाया। एक वहाँ है, तीनों वॉशरूम में जो भी नल वल वाला काम है वो सब करवा दिया है पापा ने। तो आज इसको रखने के लिए अब इसको आराम से ये चला सकते हैं, यूज करके फिर। अच्छा, इधर का स्टैंड भी नया लगवाया है अभी। तो ड्राई फ्रूट इसमें भीगे हुए हैं, ये तो मैं खाती रहती हूँ पूरे दिन। फिर क्रीम रोल भी रखे हुए हैं। क्या कर रहे हो? मुन्नी आमा को दे, आमा का पार्सल जल्दी दे, आमा को दे। लो मम्मी आए वो लो। देखते हैं आप कैसा लगता है। वाह, अभी खोलते लो उसकी क्वालिटी तो देखो। तो गाइज मम्मी देखो सही आ रहा है, मम्मी के ऊपर अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये 2 दिन का है बस, उसके बाद ऐसी होना है। पापा से पूछ के आ जाओ कैसी लग रही है, पापा को कैमरा लगाना। कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? ओह वेरी फाइन, फाइन, बहुत बढ़िया। मेरे लड़का ने भेजा है, सही लग रही हूँ? बहुत ही बढ़िया। तुम्हारा लड़का तो बहुत ही ख्याल करता है तुम्हारा। मेरा तो कोई ख्याल करता नहीं है, तेरे ही करते हैं ख्याल। बाय बुन्नी, जा रही घूमने, ठीक है अभी आऊंगी थोड़ी देर में। हीना कहाँ से आ रही हो हैं? हीना हाय तो कर दे यार। हाय बाय। यहाँ पे हमारी ज्योति पढ़ाती है ट्यूशन। ये है खुशबू, चाची की दूसरी बेटी। निकल पड़े हैं फिर से घूमने के लिए। आ गई थी वॉक से, वॉक से आने के बाद सब्जी बनाई, मतलब पनीर की सब्जी बनी। मम्मी ने सब्जी कट की हुई थी, उसमें क्या था प्याज टमाटर कट किया था, मैंने सिर्फ सब्जी बनाई है। सब्जी बनाने के बाद प्राणवी को मतलब पहले फीड कराया फिर सब्जी बनाई, फिर उसके बाद प्राणवी अभी खेल रही है अपनी दादा दादी के साथ और मैं बाहर वीडियो एडिट कर रही हूँ, साथ में वॉक भी कर रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे घर में होने वाला है बहुत बड़ा फंक्शन, तो उसके लिए क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी टाइम बाद मतलब ऐसा दिन आएगा जिसमें सब लोग मिलेंगे, मेरे मायके वाले और हस्बैंड जी की बुआ लोग आएंगे, चाचा लोग आएंगे, बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत मज़े आएंगे और बहुत सारी शॉपिंग होगी और बहुत मज़ा आने वाला है।
तो आप लोगों ने सारे व्लॉग देखना अब जो भी आएंगे, क्योंकि जो डेट है वो है 3rd of November, और उससे पहले हमारी दीपावली की शॉपिंग होगी। कैसे कैसे क्या क्या होगा सब मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। बापरे सुबह सुबह उसमें देखना, चिड़ियाँ देखना कितनी सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, सारी चिड़ियाँ हैं गाइस, सारी चिड़ियाँ देखो, चार चिड़ियाँ चिपक गई थी क्या, जहाँ दूर तक आपकी नज़र जा रही है सब में चिड़ियाँ बैठी हैं। तो भाई यहाँ पे ना आसपास में धान वो कर रहे होंगे, तो देखो ये तो छत से निकला हुआ है, ये पापा पूरा साफ करके लाए हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा झाड़ू लगा, इतना पूरे यहाँ पे धान की पूरा जो कटा होगा ना उसका वो आ गया धूल। मम्मी ले लिया ना, अभी अभी लंच कर लिया है। आज लंच में बने थे करेले वाली झोली। मम्मी यहाँ पे लेट के करवा चौथ वाली वीडियो देख रही है, क्योंकि मैंने भी आज अपने कुछ मेकअप का सामान ट्राई किया था कि मेरा कैसा आया है, ठीक ही लग रहा है मुझे। तो वो देखो देखो इसको इसको देखो, प्राणवी उसे लगे रह रहे थे अपना बिना। प्राणवी उठ गई है, मतलब दिन के टाइम थोड़ा सा सोई थी, वैसे दिन में बहुत ज़्यादा कम सोती है। तो अभी ना 5 बज रहे हैं और मेरा वॉक वाला टाइम भी हो रहा है, लेकिन अभी ना प्राणवी से मिलने के लिए हमारे परिवार के हैं वो लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से मिलाऊंगी। अभी मैं बाहर जाऊंगी तो इसलिए मैंने बेल्ट वेल्ट पहन लिए, बट मुझे शूज़ पहनने हैं, शूज़ पहन लेती हूँ, वहीं से फिर मैं वॉक पे चले जाऊँगी और प्राणवी की कैप ले लेती हूँ, तो मम्मी को दे दूँगी कैप। मैंने अपनी पोनी बना ली है ताकि मुझे वॉक करने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरी जो ये चीज़ है ना, आप लोगों ने अगर नोटिस किया है नहीं किया है, ये लूज हो गया है। ये ताई जो लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, ये हैं चाची, लो बदल देख रहे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग प्रणाम नहीं कर सकते, हम पे सूता का इसीलिए। मोटी हो रही है पतली हो रही है चाची? आप बता, अब तो थोड़ा वेट कम कर लिया, उसका डेली वॉक पे जा रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं वॉक पे, मतलब हम लोग बहुत पहले निकल गए थे लेकिन अभी आधे रास्ते पहुँचे हैं, जाने का टाइम आ रहा है। और ये हैं चाची, और चाची हाय कर दो, बस थकान वैसे आज कम लगी, आज थोड़ा सा कम गए ना, आज थोड़ा कम गए। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना आ गया है, मम्मी ने इसमें दे दी है सब्जी रोटी और दूध, ब्रूनो ने खाना खा लिया है। आप लोगों ने ये ब्लॉग अगर यहाँ तक देखा होगा तो आप लोगों को ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, और जाते जाते आप चंद्र मामा को भी देख लीजिए, अगर पसंद आया है तो मेरे ब्लॉग को जरूर लाइक कर दें, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बाय, गुड नाइट, हर महादेव।